पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर के कर्मचारी संगठनों ने एक बार फिर से आवाज़ बुलंद की है और आज लखनऊ में एक ये बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के बैनर तले कई कर्मचारी संगठन यहाँ पर मौजूद हैं और मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीपी सिंह रावत जी हमारे साथ हैं। सर, पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर के बहुत लंबे समय से आवाज़ उठाई जा रही है, सरकार लगातार मना कर रही है, अभी भी उम्मीद है आप लोगों को? देखिए, आज बहुत गौरवशाली दिन है। आज लखनऊ की धरती से माननीय योगी आदित्यनाथ जी को हम ये अवगत कराना चाहते हैं शांतिपूर्ण तरीके से। ये गोरखपुर के बाद ये दूसरा कार्यक्रम है उत्तर प्रदेश में कि पुरानी पेंशन बहाली की संगोष्ठी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस संगोष्ठी कार्यक्रम के माध्यम से हम प्रदेश के NPS कार्मिकों से लेकर, प्रदेश की जनता से लेकर और प्रदेश की सरकार तक ये आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं कि जिस तरीके से राजस्थान सरकार ने और छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने राज्य के NPS कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन बहाल कीजिए, इसी तरीके से आप भी अपने लाखों NPS कार्मिकों की पीड़ा को समझते हुए पुरानी पेंशन बुढ़ापे का सारा बहाल कीजिए। सर, चुनाव के पहले भी मुद्दा बना था और उस समय भी सरकार ने कहा था कि हम पेंशन की बहाली नहीं करेंगे, पुरानी पेंशन की बहाली नहीं करेंगे। उसके बाद बैठक होती है सरकार, नई सरकार के गठन के बाद, उसमें भी ये बात निकल करके सामने आती है कि पुरानी पेंशन की बहाली को बहुत ज़रूरी नहीं समझा जाता है, जो अभी तक सरकार के स्तर पर जो उधर से सूचनाएं आ रही हैं। आपको क्या लगता है कि आप लोगों का ये दबाव काम आएगा, क्योंकि आप लोग तो चुनाव के पहले भी ऐलान करके जो है कि सरकार जो है नहीं गिरा पाए थे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बेबाक तरीके से कहूँगा कि सरकार को समझना चाहिए, माननीय योगी जी को समझना चाहिए, माननीय मोदी जी को समझना चाहिए कि पुरानी पेंशन का लाभ सिर्फ एक कार्मिक को नहीं है। पुरानी पेंशन एक देश से जुड़ा हुआ मुद्दा है, राज्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है, क्षेत्र से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और एक कार्मिक को पुरानी पेंशन मिलता है तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 50 युवाओं को रोजगार मिलता है। ये बात हमारी सरकार को समझना चाहिए, हमारे देश की प्रधानमंत्री को समझना चाहिए। जब तक इस बात पे चिंतन और मनन नहीं होगा, विचार नहीं होगा, विचार विमर्श नहीं होगा, तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ ये समझ रही है कि ये पेंशन का मुद्दा सिर्फ कर्मचारियों का है, पेंशन का मुद्दा सिर्फ कर्मचारियों का है, इस वजह से ये लोग इस मुद्दे से दूर हट रहे हैं। जबकि ऐसा नहीं है, पेंशन उस राज्य को विकास से आगे बढ़ाएगा, उस क्षेत्र को आगे बढ़ाएगा और वहाँ पर रोजगार के विकल्प भी खुलेंगे। सर, आंदोलनों की बात हो रही है, लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, ये आंदोलन और कितना व्यापक हो सकता है? अभी तो एक बंद हॉल में हो रहा है, क्या ये सड़क पर भी आंदोलन? देखिए, राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, यहाँ तक कि पिछले 2 महीने पहले हमने मोदी जी के गुजरात में गांधीनगर में ऐतिहासिक कार्यक्रम जिसमें 1,00,000 NPS कार्मिक शामिल हुए, छत्तीसगढ़ में बड़ा कार्यक्रम हुआ, राजस्थान में बड़ा कार्यक्रम हुआ, देश के अलग अलग राज्यों में, बड़े बड़े शहरों में सड़कों पे ये आवाज़ उठ रही है। और अब समय आ गया है कि देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश की सड़कों पे हमने बिगुल बजा दिया है, शंखनाद कर दिया है। हम हजारों अन्नय और विनय कर रहे हैं माननीय योगी जी से कि आप हमारी पीड़ा को समझिए, आप हमारे गार्जियन हैं, हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, हमारे लाखों NPS कार्मिकों की आप पीड़ा समझ सकते हैं, आप इस पीड़ा को समझेंगे और पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। फिर भी लाखों अन्नाई बिन्नाई करने के बाद भी अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री इस आवाज़ को नहीं समझते हैं तो मैं समझता हूं कि NPS कार्मिक सड़कों पे आएगा और सड़कों पे इतना बड़ा आंदोलन होगा कि मैं समझता हूं कि देश की आज़ादी के बाद सबसे बड़ा आंदोलन पुरानी पेंशन के लिए होगा। सर, कर्मचारी संगठनों में देखा जाए कि एक दौर था जब कर्मचारी आंदोलनों को लेकर के सरकारें झुक जाया करती थी, आप लोगों में वो एकजुटता नहीं दिखाई देती है? पुरानी पेंशन के ही मुद्दे पे हर संगठन अलग अलग जो है अपनी भागदौड़ में लगा है, कुछ संगठन तो ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, हमें नई पेंशन स्कीम ही मंजूर है, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसमें चिंता का विषय तो ये है, कोई संगठन आए पुरानी पेंशन के नाम पे और वो MLC और MP बनने के सपने देख गए, तो इस वजह से कहीं ना कहीं कर्मचारियों में थोड़ा शंका भी हुई है और कर्मचारियों की जो भावनाएं थे उनको भी आघात पहुंचा है। तो मैं समझता हूं कि दोबारा से हम जमीन से और लगातार सभी विभागों से सभी कार्मिकों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और देखिए, राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा का सिर्फ एक मिशन है पुरानी पेंशन, इसके अलावा हमारा कोई मिशन नहीं है और हम 2024 तक इस आवाज़ को बुलंद करेंगे और इस मिशन का, इस संगठन का सिर्फ एक ही ध्यान है, एक ही लड़ाई है कि 2024 से पहले हम देश से NPS का नामो निशान मिटा के छोड़ेंगे, चाहे इसके लिए हमें कितना ही बड़ा आंदोलन करना पड़े। तो
यूपी में अभी भी आप लोगों के आंदोलन की प्लानिंग है, अभी कहाँ कहाँ की है आगे की? अभी इससे पहले हमने पिछले महीने की दस तारीख को हमने सीएम सिटी गोरखपुर से इस पुरानी पेंशन बहाली की आवाज़ को बुलंद किया था। अब ये समय आ गया है कि लखनऊ से इस आवाज़ को आगे बढ़ाया जा रहा है और आने वाले टाइम में हम बनारस, जो हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री जी का जो संसदीय क्षेत्र है, हम बनारस से इस आवाज़ को बुलंद करेंगे। और इससे पहले जैसे कि हमने बोला है कि मोदी जी के गुजरात से हमने ये आवाज़ बुलंद की थी, तो हम ऐसे क्षेत्र को, ऐसे संसदीय क्षेत्र को हम चिन्हित कर रहे हैं कि जहां से ये आवाज़ बखूबी मजबूत होगी और आगे बढ़ेगी। तो ये हैं बीपी सिंह रावत हैं, जिनका कहना है कि पुरानी पेंशन की इस लड़ाई को जारी रखेंगे और 2024 तक पुरानी पेंशन को बहाल करा करके ही दम लेंगे। सहयोगी बाबूलाल के साथ सुशील कुमार, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।